इंडियन कार सिमुलेटर 3D। आप लोग में से काफी लोग मेरे को पूछते रहे थे कि भाई आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कैसे करते हो, तो मैं बता देता हूँ अपनी मॉडिफाई कैसे करनी है गाड़ी को। तो सबसे पहले आपको ये वाला बटन होना चाहिए, उसके लिए आपके पास होना चाहिए 32 वाला वर्जन, मतलब प्ले स्टोर पे जाओ, अपडेट करो गेम को। उसके बाद यहाँ पर अपने टायर वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब छोटे बड़े कर सकते हो टायर, यहाँ पर माला लगा सकते हो, फ्लैग लगा सकते हो, और उसके बाद टायर अपना चेंज कर सकते हो, जैसे एलॉय चेंज कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन तो सबको पता ही होगा, ये तो कलर चेंज के लिए, तो अपना अपना मन पसंदीदा कलर लगा दो। लेकिन एक जरूरी बात करनी थी, एक यूट्यूबर है, उसने क्या किया है पता है, पहले तो अपनी गाड़ी पे एक इंडियन फ्लैग लगाया, मतलब अपने इंडियन कार सिमुलेटर 3D में, और उसके बाद उसने स्टंट वाली जगह से उस गाड़ी को उड़ाया और वो गाड़ी उल्टी हो गई। भाई साहब कितनी डिसरिस्पेक्ट की बात हो गई ना ये, तो ऐसे वीडियो मत डाला करो यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि इंडियन फ्लैग जमीन पे लग गया हो। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो कॉमेंट करके बताओ मेरे को, और वो यूट्यूबर का नाम तो मैं बताने वाला हूँ। खाली कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए यार।